आरसीबी और लखनऊ के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ को एक बार फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आरसीबी ने लखनऊ को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है, केवल 18 रनों से जीत मिली आरसीबी को। और आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 126 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त लग रहा था कि आरसीबी की आज हार होने वाली है, लेकिन तारीफ करनी होगी आरसीबी के गेंदबाजों की, जिन्होंने लखनऊ को 108 रनों पर ही रोक दिया। लखनऊ के लिए अगर बैटिंग की बात करें तो काइल मेयर्स खाता भी न खोल सके। आयुष बदोनी 4 रन, 14 बनाए कुणाल पांड्या, दीपक हुडा 1 रन, 13 मार्कस स्टोइनिस, पूरन 9, 23 बनाए कृष्णप्पा गौतम तारे, और अमित मिश्रा ने आकर के लास्ट में 19 रनों की पारी जो खेली उससे थोड़ा सा लगा था कि उम्मीद बनी थी, लेकिन पूरी टीम केवल 108 रन बना करके आउट हो गई है। जस हेजलवोल्ड 2 और 2 विकेट करण शर्मा ने निकाले, लेकिन गेंदबाजी सभी आरसीबी की गेंदबाजों ने बहुत अच्छी की थी। और आरसीबी के अगर बल्लेबाजी की बात करें तो सबसे बड़ा योगदान था उनकी टीम के लिए कप्तान डू प्लेसिस का, जिन्होंने 44 रन बनाए थे। 31 विराट कोहली ने बनाए थे, मैक्सवेल 4, 9 बनाए थे अनुज रावत, और बाकी का कोई भी बल्लेबाज कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया था। दिनेश कार्तिक 16 रन बना करके रन आउट हुए थे और पूरी टीम 126 रन बना करके आउट हो गई थी। 127 रन का टारगेट दिया था, उस वक्त लगा कि शायद यहाँ पर आरसीबी के लिए मुश्किल पैदा होने वाली है। और कल का जो मुकाबला हुआ जीत, शायद जो मैच का रोमांच था वो कहीं पर छिप गया, क्योंकि जो ड्रामा हुआ मैच पर ग्राउंड पर वो किसी भी नज़रिए से क्रिकेट के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पहले नवीन उल हक विराट कोहली के बीच गर्मा गर्मी हुई, फिर ये लड़ाई जाकर के गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच तब्दील हो गई। अमित मिश्रा जाकर के बीच बचाव तो किया, वहाँ मैक्सवेल आए, लेकिन उनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और दोनों ने क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा शर्मसार किया है और दोनों पर मैच फीस भी काट ली गई पूरी 100%। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।